नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा जनपद के हसनपुर नगर के आत्माराम कुंड के नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में पशु विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का शव पड़ा हुआ मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौत का कारण जानने के लिए मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल सोमवार को दोपहर बाद नगर के ब्लॉक परिसर स्थित पशु विभाग में तैनात 40 वर्षीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गजेंद्र राणा पुत्र रामपाल सिंह निवासी मोहल्ला काला शहीद का संदिग्ध परिस्थितियों में नगर के पूर्व रोड आत्माराम कुंड के नजदीक देसी शराब की दुकान के पीछे शव पड़ा मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौत का कारण जानने के लिए मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के भाई शिवा का कहना है कि मृतक आए दिन शराब का सेवन करता था और अधिक मात्रा में शराब का सेवन करके खेत पर ही सो जाता था। वहीं परिजनों ने शराब का अधिक सेवन करने से मौत की आशंका जाहिर की है। और आज ही वो ऐसा हुआ, किसी को पता नहीं कि हम ड्रिंक करके उनकी डेट डेड हो गई। सबको ये पता था कि हाँ ड्रिंक करके लेट हैं, नहीं तो कहते हैं उनकी डेट हो गई। बस कब की घटना है ये? घटना है कि 1:30 बजे के आसपास की। क्या नाम है इनका? वीरेंद्र राम। शाहजुदा जी, 3 लड़की, 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। कितनी उम्र होगी इनकी? उम्र होगी 35 के आसपास। अच्छा, फिर सूचना दी तुमने पुलिस को? जी, सूचना पुलिस को दे दी। फोन कर दें भाई, इस पर बताइए। यह दिनांक 8 को अभी शाम को लगभग 5:30 बजे पुलिस के द्वारा हमारे पास लाई गई है, जो कि जानकारी के मुताबिक ये हसनपुर की है, पर अज्ञात अवस्था में इसकी मृत्यु का है। इसको हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, जिसके द्वारा ये पुष्टि हो पाएगी कि क्या कारण था इसकी मौत का। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांवों के कुछ युवक महिलाओं व बच्चों के साथ जनपद संभल के हरिबाबा बांध पर गंगा स्नान करने गए थे। इस दौरान नहाते समय 3 युवक गंगा में डूब गए, जिसमें एक युवक तय कुशल निकाल दिया गया। वहीं 2 युवक लापता हो गए, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही तहसीलदार थाना अध्यक्ष समेत अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बता दें कि जनपद अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव ढेकला निवासी जितेंद्र पुत्र ऋषिपाल ने शुक्रवार को नया ट्रैक्टर खरीदा था। इसको लेकर वह सोमवार को गांव के पुरुषों व महिलाओं को लेकर ट्रैक्टर से जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के हरि बाबा बांध स्थित गंगा धाम पर नहाने के लिए चला गया था। इस दौरान गांव के ही 16 वर्षीय राजू पुत्र पत्तू, 15 वर्षीय जितेंद्र पुत्र ऋषिपाल, 14 वर्षीय सचिन पुत्र रामकिशन नहाते समय गंगा में डूब गए, जिससे युवकों के आसपास ही स्नान कर रहे लोगों ने सचिन को डूबते हुए सकुशल निकाल लिया, परंतु राजू और जितेंद्र गहरे पानी में समा गए और लापता हो गए, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही संभल तहसीलदार दीपक चौधरी, रजपुरा थाना प्रभारी पवन कुमार और लेखपाल जीत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अमरोहा जनपद में सोमवार को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट अमरोहा जिला इकाई के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश यादव के नेतृत्व में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर भारत सरकार के नाम ज्ञापित करते हुए जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी भगवान शरण को सौंपा, जिसमें उन्होंने अमरनाथ यात्रा पर भंडारा मार्ग पर भंडारे का सामान ले जाने, वाहनों पर लगने वाले टोल टैक्स को समाप्त करने और यात्रियों के पंजीकरण शुल्क को समाप्त करने की मांग करते हुए ज्ञापन भेजा। इस संबंध में जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश यादव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अमरनाथ यात्रा भंडारा मार्ग पर भंडारे का सामान ले जाने वाले वाहनों पर लगाया गया टोल टैक्स उचित नहीं है, तथा यात्रियों के पंजीकरण शुल्क को भी सरकार द्वारा समाप्त किया जाए। ज्ञापन दिया आपने? जी, ज्ञापन जो दिया गया आज अमरनाथ यात्रा पर जो पंजीकरण शुल्क है 2019 से पहले तो 50 रुपये था और अब बढ़ाकर 220 रुपये कर दिया गया, उसकी बहुत चिंता करते हैं और इसी बात को लेकर दिया गया। जो हमारे भंडारे वाले वाहन चलते हैं उनको टोल फ्री किया जाए, जो उनका टोल भी खुला और जो पंजीकरण शुल्क है उसको खत्म किया जाए। यही हमारी केंद्र सरकार से मांग है, प्रधानमंत्री महोदय साहब को ज्ञापन दिया गया, PM साहब के द्वारा ADM साहब मिले हैं यहाँ पे, उनको सौंपा गया। अमरोहा के हसनपुर में सोमवार को नगर के ब्लॉक परिसर में स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन असली के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में जंतर मंतर पर महिला पहलवानों द्वारा दिए गए धरने प्रदर्शन का समर्थन करते हुए ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम ज्ञापित करते हुए उप जिलाधिकारी अशोक कुमार शर्मा को सौंपा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति से महिला पहलवानों के हुए उत्पीड़न के संबंध में ज्ञापित ज्ञापन में कहा कि महिलाओं का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तथा उन्होंने महिला पहलवानों के शोषण को रोकने के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाते हुए कहा कि महिला पहलवानों को प्रलोभन देकर उनका शोषण करने वाले सांसद को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। ये जंतर मंतर पर जो
धरना चल रहा है पहलवानों का जी, उनके समर्थन में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं जी। भाई जिन्होंने गलती करी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम साहब ने क्या सुझाव दिया आपको? एसडीएम साहब को तो ज्ञापन दिया हमने, हाँ राष्ट्रपति जी के लिए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।